नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमास क्राफ्ट्स विला। इस फेस्टिव सीजन में मैं एक घर में बड़ी सी आर्टिफिशियल ट्री लाने की सोच रही थी, पर ये लोकली बहुत ही महंगे थे तो ऑनलाइन सर्च किया, वहाँ भी ये काफ़ी महंगे थे। ये देखिए, मैं छोटी छोटी लीव्स वाली चाहती थी, तो ये देखिए इसकी प्राइसेस। तो सोचा क्यों ना इसे मैं खुद ही बना लेती हूँ, कैसी बनेगी पता नहीं, पर कोशिश कर रही हूँ। तो ये मैंने लकड़ी थोड़ी हाइट देने के लिए मैंने इसे एक पाइप में फिट कर लिया है, नीचे के थोड़ी मैंने कट कर लिया है, और एक मैं छोटी सी ब्रांच थी लकड़ी के, तो उसे मैं इसके साथ जोड़ूंगी। तो उसके लिए मैंने ले लिया है एम सील। तो एम सील में ऐसे दो कंपाउंड होते हैं, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना होता है। तो थोड़ा सा मैंने टैल्कम पाउडर हाथों में ले लिया है और इसे दोनों का अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे थोड़ा और मिक्स करना है। जब ये एक कलर की हो गई है तब मैं इसमें थोड़ा सा पोर्शन लेके ये दूसरी वाली ब्रांच को इस तरह से लगा लूँगी। तो थोड़ा सा एमसील ले लेना है, यहाँ अच्छे से लगा ले रही हूँ, और जो दूसरी ब्रांच है उसे हमें इस तरह से लगा लेना है। तो ये निकल ना जाए तो मैं इस पर, ये देखिए मैंने अच्छे से लगा लिया है। तो अब मैं इसे मास्किंग टेप से इस तरह से लगा के रख दूंगी ताकि ये ब्रांच अच्छे से इस पर फिक्स हो जाए। तो मास्किंग टेप को मैंने अच्छे से लपेट लिया है, और ये जो पाइप की जगह है वहां में भी मैंने थोड़ा सा एम सील को इस तरह से लगा लिया है, इस तरह से। तो चलिए इसे अब ड्राई करने के लिए रख देते हैं, अच्छे से फिक्स हो जाए, फिर इस पर काम करते हैं। अब मैंने ले लिया है वॉल पुट्टी, इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा फेविकॉल और थोड़ा सा पानी। तो एक मुझे गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है, तो अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अभी ब्रांचेस अच्छे से फिक्स हो गई है तो हम निकाल लेंगे ये मास्किंग टेप को। तो इसे हमें निकाल लेना है, अब लगा लेनी है वॉल पुट्टी। और फ्रेंड्स, मैं ये घर में सीमेंट का काम चल रहा था तो मैंने उन लोगों से थोड़ा सा सीमेंट लिया और एक कपड़े पे सीमेंट पे लगा के मैंने नीचे ये जो पाइप की जगह थी वहाँ मैंने वो कपड़े को लपेट लिया है, और एक पेंट के डब्बे पे मैंने थोड़ा सा सीमेंट डालकर ये पेड़ जो मैं ट्री बना रही हूँ आर्टिफिशियल पेड़, उसे लगा लिया है। तो अब इस पर मैं कलर कर ले रही हूँ। ये वॉल पुट्टी भी ड्राई हो चुकी है तो मैंने ले लिया है ब्राउन कलर। ये सभी घर में काम चल रहा था तो काफ़ी सारे कलर्स बच गए थे, तो ये वही कलर्स हैं, तो मैं इसे यूज़ कर ले रही हूँ। तो पहले लगा लूँगी मैं पेड़ पे ये ब्राउन कलर। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियोस या आइडियाज़ पसंद आते हों तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, मैं ये भी बता दूं कि मेरी अधिकतर क्राफ्ट वेस्ट मटेरियल रिलेटेड ही होती है, और मैं हर तरह की वेस्ट मटेरियल को रीयूज करने की कोशिश करती हूँ। तो अब चलिए, पेड़ को मैं ड्राई करने के लिए रख दिया है। अब ले लिया है ये मैंने बड़े बड़े प्लास्टिक बॉटल्स, तो उसमें मैं ये लीफ पैटर्न ड्रॉ कर ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें लीफ ड्रॉ कर लेना है। तो मुझे इसे लंबे लंबे ब्रांचेस भी बना लेने हैं, और ऊपर से हमें इस तरह से लीव्स को बना लेना है। तो हमें पूरे बॉटल में मैं इस तरह से लीव्स को ड्रॉ कर लूँगी। ये देखिए, मैंने पूरे बॉटल में लीव्स को ड्रॉ कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो बॉटम पोर्शन को कट के हमें फेंकना नहीं है, इसे रख देना है। मैं इसे दूसरे क्राफ्ट में बनाऊँगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मैंने बॉटम पोर्शन को कट कर लिया है। अब ये जो लीव्स को मैंने ड्रॉ किया है उस ड्राइंग के ऊपर मुझे हमें कैंची से इस तरह से हमें धीरे धीरे कट कर लेना है। ड्राइंग कर लेने से कटने में थोड़े इजी होता है। ये देखिए, इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो हमें ये छोटे छोटे लीव्स है तो हमें सावधानी से कट कर लेना है ताकि कोई लीव्स कट ना जाए। ये देखिए, इस तरह से हमें धीरे धीरे कट कर लेना है। तो ऐसे मैं और भी बॉटल्स में लीव्स को ड्रॉ कर लूँगी, और उसे बस इसी तरह से हमें कट कर लेना है। तो हमें और भी बहुत सारे बनाने हैं। तो ये देखिए, छोटी छोटी ब्रांचेस, ये देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो पूरे को कट कर लेते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ कमेंट करने बिल्कुल ना भूले, प्यारे से कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और ये मोटिवेशन
हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो आपको 10 मिनट की क्राफ्ट लगती होगी, पर इसे हमें कई दिनों से बनाना पड़ता है। एक एक क्राफ्ट में हमें कई दिनों की मेहनत लगी होती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप क्राफ्ट लवर हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को अवश्य विजिट कीजिएगा, और आपको वहाँ काफ़ी सारे वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट और ऐसे भी क्राफ्ट मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी क्राफ्ट ज़रूर पसंद आएगी। तो अब मैंने ले लिया है एक मोमबत्ती, और मोमबत्ती के चारों ओर हमें एक एक लीव्स को इस तरह से घुमा लेना है। देखिए ये लीफ थोड़ी सी मुड़ जाएगी और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है। हमें सभी लीव्स को इस तरह से घुमा लेना है, और ये बीच की लीफ की जो बीच की जगह है उसे भी हमें इस तरह से कर लेना है। अभी तो ये प्लास्टिक बॉटल्स हर किसी के घर में होते हैं, कोई कोई तो यूज़ भी करते हैं, कोई कोई इसे कबाड़ समझ के फेंक देते हैं। तो रिक्वेस्ट करूँगी फ्रेंड्स, इसे कबाड़ समझ के ना फेंकें, इससे काफ़ी सारे डेकोरेटिव आइटम्स प्लांटर्स बना सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी दिए हुए हैं और आगे भी मैं देखती रहूँगी। तो सभी लीव्स को मैं इस तरह से मोमबत्ती के चारों ओर हमें घुमा लेना है। एजेस भी साथ होती है तो हमें ऐसा कर लेना ज़रूरी है। और ये करने से ये देखिए लीव्स थोड़ी मुड़ भी जाएगी, तो ये बिल्कुल रियल लीव्स की तरह लगती है। तो ये बॉटल की मैंने जो छोटी छोटी ब्रांचेस बनाई है सभी को मैं इस तरह से कर लूँगी। ये देखिए मैंने एक बॉटल कंप्लीट कर लिया है, तो इसी तरह से मैंने दूसरे बॉटल भी कट कर लिए हैं, और उसे भी मैं इसी तरह से, बस लीव्स को हमें इस तरह से घुमा लेना है। ये देखिए तो ये मेरी सारी लीव्स मैंने कंप्लीट कर लिया है, और कुछ लीव्स को मैंने ये बस छोटे छोटे ही रखे हैं इस तरह से। देखिए ये छोटे छोटे मैंने अलग से कट कर लिए हैं। तो अब इसे मैं कलर कर लूँगी, तो काफ़ी सारे ग्रीन कलर भी बचे हुए थे तो वो कलर का ही मैं यूज़ कर लूँगी। तो ये ग्रीन कलर को पहले मैं लगा लूँगी। ये देखिए पूरे दोनों तरफ हमें लगा लेना है कलर को। तो सभी लिप्स के हमें दोनों तरफ ही अच्छे से कलर कर लेना है, और इसे अब ड्राई करने के लिए भी रख देना है। तो ये लीव्स ड्राई हो चुके हैं, तो अब मैं थोड़े से एक्रेलिक कलर का भी यूज़ करूँगी। तो मैंने ले लिया है सैप ग्रीन कलर और थोड़ी सी येलो कलर। तो थोड़ी सी सैप ग्रीन और येलो कलर हमें इस तरह से लगा के पूरे में कलर कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ ही लीव्स का कलर कर लेना है। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़रूर है फ्रेंड्स। ये देखिए तो इसी तरह से, ये देखिए पत्ते कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इसी तरह से मैं पूरे को कर लूँगी। ये मेरे पास एक बड़ी सी प्लास्टिक की कंटेनर थी, तो उसमें मैं कर लूँगी ब्लू कलर। ये पहले से मैंने कलर की हुई थी, एज ए प्लांटर भी मैंने इसे यूज़ किया था। और ये थोड़े डार्क कलर चाहिए तो मैंने ये ब्लू में थोड़े से ब्लैक कलर मिक्स कर लिया है। ये देखिए तो मैं ये डीप कलर का ही यूज़ करूँगी। तो इस ब्लू में मैं थोड़े से डीप कलर, ब्लैक कलर मिक्स करके पूरे में मैं कलर कर लूँगी। ये देखिए कलर कंप्लीट है कि उसे भी ड्राई करने के लिए रख देते हैं। अब ये जो लीफ वाली बॉटल्स है तो उसके सामने की पोर्शन में मैं कट लगा लूँगी। तो सोल्डरिंग आयरन से मैं इसे इस तरह से कट लगा लिया है। अब जो अलग से मैंने लीव्स बनाया है उसे एक अंदर और एक बाहर को मैं लगा के ये सोल्डरिंग आयरन से मैं इसे फिक्स कर लूँगी। एक अंदर लगाना है और एक बाहर, इस तरह से मैंने ले लिया है। अब सोल्डरिंग आयरन से मैं इसे इस तरह से फिक्स कर लूँगी। ये देखिए तो इसी तरह से मैं और ज़्यादा लीव्स इस पर फिक्स कर लूँगी, और कुछ छोटे छोटे लीव्स को मैं इस तरह से दो दो करके इस तरह से फिक्स कर लिया है। ये देखिए अब ये जो बड़ी वाली बॉटल थी तो एक को मैंने वैसे ही रखा है, और सेकंड वाली को मैंने इसके फ्रंट पोर्शन कट कर लिया है। अब एक के ऊपर मैं वो वाली को डाल ली हूँ। अब ऊपर से मैंने ये जो सिंगल लीव्स बनाए थे उसे इस तरह से डाल के हमें इसके साथ फिक्स कर लेना है। और मैं छोटी छोटी ब्रांचेस भी बस इसी तरह से सोल्डरिंग आयरन से हमें इस तरह से इस पे एक ही बॉटल पे फिक्स कर लेना है। तो देखिए ये काफ़ी बूसी लगने लगी है। अब मैंने ले लिया है एम सील, फिर एम सील को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बॉटल्स को चलिए लगा, एम सील की सहायता से हमें ट्री बना लेनी है। तो ये मैंने एम सील लगा लिया है,
कुछ लीव्स में। अब ये जो बॉटल की जो मैंने ट्री लीव्स बनाई हैं उसे मैंने एमसील लगा के इस तरह से लगा लिया है। अब छोटी छोटी जो मैंने अलग अलग ये लीव्स इस तरह से बनाया है उसमें भी मैंने थोड़े थोड़े एमसील्स के बॉल बना लिए हैं उसे लगा के। अब इस तरह से मैं इसे भी फिक्स कर ले रही हूँ। तो ये मेरी एक बड़ी सी ट्री बन गई है। अब जहाँ एमसील लगा है वहाँ मैं थोड़े से ब्राउन और ब्लैक कलर से ये पेड़ का कलर कर ले रही हूँ। तो सभी जगह मैंने कलर कर लिया है। अब ले लिया है मैंने वो प्लास्टिक कंटेनर जो मैंने कलर करके रखा था उसमें डाल लिया है। थर्मोकोल की थोड़ी सी सीट थी। अब ये पेड़ को मैं उस पर लगा लूंगी। अब पैकिंग के साथ मुझे ऐसे फोम मिले थे सिंथेटिक फोम, तो उसे मैं साइड्स पे इस तरह से पैक कर लूंगी ताकि मेरे पेड़ हिल ना जाए। और ये मैंने काफ़ी सारे स्टोन्स इकट्ठा करके रखे थे और ये देखिए मैंने स्टोन से इस तरह ऊपर रखा है। तो आप इस पेड़ को कहीं भी रख सकते हैं तो उसकी खूबसूरती, उस जगह की खूबसूरती बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। तो आपको मेरी ये वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट कैसी लगी मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर भी कीजिए। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और ये मैंने एक कॉर्नर पे रखा है।